इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और बंगाल के गोसावा में अमित शाह इस वक्त एक रैली को संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? मित्रों, ये गोसावा विधानसभा 9 द्वीपों का समूह है। समंदर के होते हुए कलकत्ता से इतना नजदीक होने के बावजूद भी आज तक कोई व्यवस्था नहीं की। शुद्ध पीने का पानी, माताएं बताएं, शुद्ध पीने का पानी आपको मिलता है क्या? अरे जरा जोर से बोलो, मिलता है क्या? मित्रों, भाजपा सरकार बना दीजिए, 2 साल में नल के द्वारा शुद्ध पीने का पानी हर घर में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी। गदखाली से चंडीपुर गोसाबा, रानीपुर से सज्जलिया, मुल्लाखाली से कुमीरमारी आमतोली और राजानगर से तारानगर को जोड़ने वाले ब्रिज बनाने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, हमने गुरुदेव रूरल एडवांसमेंट मिशन बनाया है जो अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ गांव के विकास के लिए देंगे, जिसका बहुत बड़ा फायदा ये 9 द्वीपों वाली घोसाबा सीट को होने वाला है। मित्रों, पौंड क्षत्रिय दलित समाज के लिए हम डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कर उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई और नौकरी की भी व्यवस्था करने वाले हैं। ये सुंदरवन, दीदी ने सुंदरवन को बहुत अन्याय किया है। मैंने अभी घोषणा पत्र घोषित किया, उसमें लिखा है कि हम सुंदरवन डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कर सुंदरवन को बंगाल में सबसे विकसित क्षेत्र बनाने के लिए। मित्रों, मोदी जी पैसा तो बहुत भेज रहे हैं। अम्फान आया था? मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपया भेजा, कुछ मिला है क्या आपको? मिला है? ये कहां गया? कहां गया? ये भतीजा एंड कंपनी चाऊ कर गई है, भतीजा एंड कंपनी चाऊ कर गई। आप चिंता मत करिए, मोदी जी ने भेजा हुआ पाई पाई का पैसा जिन्होंने चोरी किया है, एक SIT बनाकर उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की। चाहे अम्फान हो, चाहे बुलबुल हो, चाहे आइला हो, ये सारे घोटालों की जांच हम एक SIT बनाकर करने वाले हैं। और मित्रों, साइक्लोन से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 6500 करोड़ रुपए का एक पैकेज भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार देने वाली है। सुंदरवन में दुनिया भर के टूरिस्ट को लाने के लिए हम एक टूरिस्ट सर्किट भी बनाने वाले हैं। सुंदरवन में एक एम्स की स्थापना भी करेंगे, जिससे आप लोगों को कलकत्ता इलाज के लिए न जाना पड़े। मित्रों, ये हमारे मछुआरे भाई यहां बहुत रहते हैं, ये दीदी जो योजना मोदी जी भेजते हैं मछुआरों के कल्याण के लिए, वो योजना आप तक नहीं पहुंचने देती। हमने तय किया है कि भाजपा की सरकार बनते ही 1500 करोड़ रुपए की योजना जो मोदी जी ने भेजी है सीधी यहां पर लागू करने की बात करेंगे। मित्रों, हर मछुआरे को साल में 6000 रुपया, कितना जरा जोर से बोलो, कितना कितना आपके बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 2000 करोड़ की लागत से सुरक्षा फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हम निर्माण करेंगे, सीमांत और भूमिहीन किसान और मत्स्य पालकों का
3 लाख तक का बीमा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उतारेगी मित्रों, भारतीय जनता। और टाइगर कंजर्वेशन सेल भी बनाएंगे। और मैं वादा करता हूं मित्रों, ये नरेंद्र मोदी का वादा है, ये सारी चीजें अगली बार जब मैं वोट लेने आऊंगा तब समाप्त कर आऊंगा, आप मेरा भरोसा कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।